फाइनली यहाँ पर जो है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए HyperOS 1.0.2.0 का जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान नया फीचर्स, परफॉर्मेंस, गेमिंग, बैटरी बैकअप सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इस अपडेट को इंस्टॉल किया है एंड काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस अपडेट के साथ काफ़ी सही है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HyperOS 1.0.2.0 का जो है डाउनलोड लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। TRM HyperTR 4.0 का बिल्ड है। एनीवे एज रॉम है दोस्तों एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट की अगर बात करें, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है 4.14 कर्नल के साथ। तो यहाँ पर जनवरी 2024 के साथ जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड HyperOS के साथ सभी जो चेंजेस है देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं गेमिंग के बारे में। हमने यहाँ पर जो है BGMI को भी टेस्ट किया है, तो एक बार आपके सामने BGMI को खेल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने BGMI को जो ओपन किया है, बैटरी फिलहाल देख सकते हो 93% के आसपास है। तो यहाँ पर जल्दी से एक TDM मैच को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे ये जो अपडेट है दोस्तों ग्लोबल स्टेबल के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। तो जल्दी से एक मैच को खेलते देखते किस तरह से यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देख सकते हो ओवरऑल जो है यहाँ पर जो स्मूथनेस है फिलहाल तो बढ़िया है। बैटरी ड्रेन कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। एंड बाकी अभी तो फिलहाल काफ़ी स्मूथ चल रहा है। एंड डेफिनेटली तो ओवरऑल जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस फिलहाल तो सही है। अभी फिलहाल हमने कोई भी लैग को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर जो फ्रेम ड्रॉप है वो भी हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। जो फुल रिव्यू हम जब करेंगे, डेडिकेटेड जब BGMI का रिव्यू करेंगे, तब हमें और अच्छे से मालूम चलेगा यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में। फिलहाल जो परफॉर्मेंस है काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर इस अपडेट का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके इस अपडेट को आप डाउनलोड कर सकते हो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए। एंड फिलहाल बैटरी जो है 91% के आसपास हो गया है। एक्सपीरियंस सच में काफी सही है। एंड कोई इशू का हमने फिलहाल तो नोटिस नहीं किया है। एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। एक चीज आप नोटिस करोगे, हम यहाँ पर जो है स्कोप को यहाँ पर ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि एक्चुअली ये जो लेआउट है यहाँ पर फोन का लेआउट नहीं है। यहाँ पर हम आईपैड का जो लेआउट है उसके साथ खेल रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पर इस तरह से हम स्कोप को जो यहाँ पर ओपन नहीं कर पा रहे। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस सही है एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस भी सही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बैटरी देख सकते हो फिलहाल जो है 91% के आसपास बैटरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो HyperOS है डेफिनेटली फिलहाल Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ HyperOS के साथ आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा गेमिंग के साथ। एंड डेडिकेटेड वीडियो में हम बात करने वाले हैं और अच्छे से किस तरह से फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है, बैटरी ड्रेन एंड लैग के बारे में बात करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। एनीवे फिलहाल यहाँ पर HyperOS के साथ सभी जो फीचर्स है यहाँ पर काम कर जाएगा, जितने भी फीचर्स को यहाँ पर ऐड किया गया है HyperOS के साथ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जो आइकॉन है डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेटिंग्स, गैलरी, नोट्स, कैलकुलेटर, वेदर, थीम, सभी आइकॉन जो है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। प्लस एक चीज़ हमने नोटिस किया है पर फोल्डर के साथ जो कुछ इस तरह से एडिट फोल्डर का ऑप्शन है, पर एनलार्ज फोल्डर का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, बट यहाँ पर एडिट आइकॉन का जो ऑप्शन है ऐड नहीं किया गया है। ये जो बिल्ड है उसको ग्लोबल स्टेबल बिल्ड है, इसलिए यहाँ पर जो है गूगल डायलर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर MIUI डायलर और MIUI मैसेजिंग एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर गूगल डायलर देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसे यहाँ पर कुछ इस तरह से आप जो है यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हो। सिस्टम एप्लीकेशन को यहाँ पर रिमूव करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बेसिकली शॉर्टकट को आप रिमूव कर पाओगे। एंड
यहाँ पर जो MIUI 14 के साथ जो विजेट्स का सपोर्ट है देखने को मिलेगा, वेदर विजेट्स का ऑप्शन है, बैटरी विजेट्स को ऐड कर सकते हो, यहाँ पर FM रेडियो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर प्ले स्टोर को भी ऐड किया गया है। अलग से आपको जो है यहाँ पर जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा, अलग से यहाँ पर प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा, बाई डिफॉल्ट इस रोम के साथ जो है पर प्ले स्टोर अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर MIUI कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, अल्ट्रावाइड लेंस काम कर जाएगा, 2x काम कर जाएगा, यहाँ पर HDR मोड भी काम कर रहा है ऑटो ऑन ऑफ का फीचर से, AI कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस सुपर मैक्रो मोड भी यहाँ पर काम कर जाएगा, ऐसे भी ऑप्शन है। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, अल्ट्रावाइड लेंस के साथ भी आप वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, एंड यहाँ पर 4K 30fps का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सुपर मैक्रो मोड भी यहाँ पर काम कर जाएगा। पोर्ट्रेट मोड का जो फीचर है अवेलेबल है, वाइड बैलेंस, फोकस, शटर, ISO ये सभी को एडजस्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है ब्लर को भी एडजस्ट कर सकते हो, नाइट मोड के साथ जो है यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस एंड 2x का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर 64 मेगापिक्सल, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ब्लॉग, यहाँ पर लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल वीडियो, सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा MIUI कैमरा एप्लीकेशन के साथ, सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कैमरा टू एपीआई के बारे में। कैमरा टू एपीआई के साथ जो है पर Level 3 का सपोर्ट है, गूगल कैमरा काम कर जाएगा, जी कैम यहाँ पर काम कर जाएगा। रिसेंटली हमने जी कैम 9.2 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया था, सिंपली आप गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर वीडियो टूलबॉक्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, गेम टर्बो मोड भी यहाँ पर काम कर जाएगा। एनीवे यहाँ पर हाइपरवेज के साथ नया वाला जो है कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, यहाँ पर ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, वाईफाई टॉगल, मोबाइल का टॉगल है, एंड यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के ऊपर आइकॉन के साथ कोई भी जो है यहाँ पर लेवल देखने को नहीं मिलता है। वॉल्यूम पैनल के साथ जो कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा, ब्लर का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर जो पावर बटन है, पावर बटन के साथ आप जो है गूगल असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो, एंड यहाँ पर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप सिंपली यहाँ पर जो है पावर मेनू भी देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलेगा, यहाँ पर लॉक स्क्रीन UI को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर HyperOS के साथ जो है कस्टमाइजेशन फीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, अलग अलग फीचर्स के ऊपर ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर कस्टमाइज में टैप करके यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट को सिलेक्ट करने का जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, इवन जो कलर है इसे भी आप जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, अलग अलग फिल्टर्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एंड डिफरेंट वॉलपेपर को ऐड किया गया है, यहाँ पर अलग अलग जो डेप्थ इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा, इसकी यहाँ पर वॉलपेपर में जाके इस वॉलपेपर को हमने सिलेक्ट किया है, तो कुछ इस तरह से जो डेप्थ इफेक्ट है इसे भी आप जो है एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो हमने यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को रन किया था, बाकी यहाँ पर गेमिंग के साथ भी एक्सपीरियंस काफी सही है, यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 1117 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ। तो यहाँ पर जो 3D मार्क का जो स्कोर है काफी बढ़िया देखने को मिलता है। Geekbench 5.5.1 के साथ, सिंगल कोर के साथ 568, मल्टी कोर के साथ जो है 1762 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। सिंगल कोर एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है काफी बढ़िया है, देख सकते हो एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिल गया है सिंगल कोर के साथ, एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से काफी ज्यादा है। प्लस यहाँ पर जो Geekbench 6.2.2 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ जो है 752 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 1858 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर सिंगल कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है, मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर Geekbench 6.2 हो जाए, Geekbench 5 हो जाए, इवन 3D मार्क के साथ भी जो स्कोर है HyperOS के साथ सच में काफी बढ़िया देखने को मिलता है। कोई भी परफॉर्मेंस के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है, हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड किया है, एंड फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफ़ी फास्ट है, बहुत ही फास्ट डिवाइस जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफ़ी फास्ट है। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो यहाँ पर एडिशनल फीचर्स का ऑप्शन है, नाइट टाइम मोड का जो फीचर से काम कर जाएगा, बैटरी प्रोटेक्शन का जो फीचर से ऐड किया गया है, कितने टाइम चार्ज किया है टेम्परेचर को चेक कर सकते हो बैटरी का,
एंड बैटरी बैकअप जो है 120 हर्ट्ज के साथ लगभग 6.5 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। बैटरी ड्रेन भी काफ़ी कम हमने नोटिस किया है। बैटरी बैकअप हाइपर ओएस के साथ इस अपडेट के साथ जो है सच में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है एंड काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पर जो है एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर अलग अलग साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है। यहाँ पर डॉल्बी एटमोस का जो सपोर्ट यहाँ पर ऐड किया गया है। हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस लो ब्राइटनेस के साथ भी कोई भी इशू नहीं है। सनलाइट मोड काम कर जाएगा। यहाँ पर जो है नया वाला जो फॉन्ट है यहाँ पर ऐड किया गया है। रीडिंग मोड का जो फीचर से यहाँ पर काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है गेस्चर्स का जो ऑप्शन है, बटन्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पर काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है फिलहाल यहाँ पर शायद अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर राइज टू वेकअप, डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है, इवन पुराना वाला कंट्रोल सेंटर का यूज कर सकते हो। नॉच को हाइड करने का ऑप्शन है। प्लस बैटरी इंडिकेटर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड नोटिफिकेशन आइकॉन, नोटिफिकेशन स्टाइल का जो फीचर से ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर कनेक्टिविटी के साथ जो है सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो डेफिनेटली हाइपर ओएस का जो अपडेट है ट्राई करके देखो, रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।